सानुइंग गाइस, दिस इज समर फ्रॉम गेंजूस और आज का टॉपिक है क्रैनियल फोसा से रिलेटेड। ठीक है, ये सेकंड ईयर एमबीबीएस एनाटॉमी का टॉपिक है, तो आए हम इसके ऊपर देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं और ये कैसे हैं। तो बेसिकली आपके सामने जो ये डायग्राम पड़ी हुई है, ठीक है, ये स्कल की है ना। अगर हम स्कल को अंदर से देखें, नीचे की तरफ से ना, लाइक अगर हम स्कल को देखें ना, सपोज मैं आपको बताता हूँ, अगर ये सपोज कर लेना ऐसे, ठीक है, अगर हम उसे ऐसे देखें, मतलब अंदर से देखें, तो उसका ये ऐसे निकलेगा कि ये फोसा, उसके जो क्रैनियल फोसा हम उसके देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्रैनियल फोसा तीन होते हैं, ठीक है, तो वो बात अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से और कैसे होते हैं। अच्छा, तो बेसिकली आपके पास तीन फोसा होते हैं, ठीक है, तो जो ये वाला है, ठीक है, इसे एंटीरियर क्रैनियल फोसा कहेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो ये दरमियान वाला है, ठीक है, इसे कहेंगे मिडल क्रैनियल फोसा, ठीक है, और जो ये लास्ट वाला है, इसे कहेंगे पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा, ठीक हो गया। अच्छा, ये आपके पास तीन फोसाज हैं, ठीक है, जिसमें एंटीरियर क्रैनियल फोसा, मिडल क्रैनियल फोसा और पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा है, ठीक है। अच्छा, अब इनके अंदर जो फोरामेंस हैं या अपर्चर्स हैं, जो ओपनिंग्स हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो गाइस सबसे पहले आपके पास इधर आता है, ठीक है, फोरामेन सीकम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या होता है, एक प्लेट आती है जिसका नाम है साइबरीफॉर्म प्लेट, ठीक है, क्राइबरीफॉर्म प्लेट भी कहते हैं, साइबरीफॉर्म प्लेट भी से आप कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसे यहां ड्रा कर देता हूं, ठीक है, यहां हमारे पास प्लेट आ गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसमें जो एंटीरियर और पोस्टीरियर एथमॉइडल फॉर्मिना होते हैं, ठीक है, ये इसमें दोनों साइडों पे एंटीरियर और इधर पोस्टीरियर एथमॉइडल फॉरामिना है, ठीक है। अच्छा, ये अब आपके पास कितने होगी चीजें, एक ये प्लेट एक होगी, ठीक है, और ये एंटीरियर और पोस्टीरियर एथमॉइडल फॉरामिना होगी, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम मिडिल क्रैनियल फोसा के अंदर, ठीक है। मिडिल क्रैनियल फोसा में सबसे पहले तो इधर आता है ऑप्टिक कनाल, ठीक है, ऑप्टिक कनाल के बाद आपके पास आता है सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर, ठीक है, सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर कुछ ऐसा ऐसा होगा, ठीक है, वो अब ये जाहिर बात पेपर वर्क है, ठीक है, तो इसके ऊपर वो 3D इमेज तो नहीं आ सकता, तो ये है सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर, ठीक है। उसके बाद आपके पास तीन ऐसे सी शेप के अंदर आएंगे ना फोरामिना, ठीक है, और इस तरह भी ऐसे ही आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इन्हें फोरामिना को क्या कहेंगे, ठीक है, सबसे पहले फोरामेन ओ टंडम, ठीक है, ये वाला फोरामेन ओ टंडम है, ठीक है, दूसरा फोरामेन ओ वेल है, तीसरा फोरामेन स्पाइनोसम है, ठीक हो गया। आपके पास अब ये तीन ऐसे हो गए, तीनों ही इस साइड पे भी वो होंगे, ये किसकी मैं बात कर रहा हूं, मिडिल क्रैनियल फोसा की, और इधर जो आएगा, ठीक है, वो फोरामेन ल्यूसियम, ठीक है, लेसियम, सॉरी, फोरामेन लेसियम है, ठीक है। तो अगेन मैं बता दूं, ठीक है, सबसे पहले क्या था, ऑप्टिक कनाल, ठीक है, उसके बाद सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर था, ठीक है, ये उसके बाद ये तीन ऐसे फोरामेन आए थे, पहला वो टेंडम है, दूसरा ओवेल है, ठीक है, तीसरा स्पाइनोसम है, ठीक है, और चौथा क्या है, लेसियम, ठीक है, और ये इसका किसका हो गया, मिडिल क्रैनियल फोसा के अंदर, ठीक है। इसके बाद KLM के ऊपर अगर आप देखें तो ग्रूवा हाइटस ऑफ ग्रेटर पेट्रोसल नर्व भी एक ना दी गई होगी, किसके अंदर, मिडिल क्रैनियल फोसा के अंदर ही वो बताएगा, ठीक है, वो एक इधर सी ग्रूव सी एक होगी, ठीक है, यहां से ऐसे, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे ग्रूवा ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, ठीक है, वो ऐसे यहां से गुजरेगी, इसी तरह वो यहां से भी ऐसे गुजरेगी, ठीक है, उधर जो ग्रूव सी होगी, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, ग्रेटर पेटोसल नर्व की ग्रूव कहेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद चलते हैं पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा के अंदर, पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा के अंदर, ठीक है, सबसे पहले तो आपका ये जो बड़ा सा है, ठीक है, इसे फोरामेन मैग्नम कहेंगे, ठीक है, फोरामेन मैग्नम के मैग्नम के साथ ही, ठीक है, इधर इसके साइड पे ही
इधर भी, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, हाइपोग्लोसल केनाल, ठीक है, हाइपोग्लोसल केनाल इसे कहेंगे, ठीक है। और इधर ही ओपनिंग्स आएंगी एक, ठीक है, इधर भी एक ओपनिंग आएगी इस फीचर के साथ, ठीक है, उसे कहेंगे ओपनिंग ऑफ इंटरनल अकोस्टिक मिएटस, ठीक हो गया। उसके बाद अब मैं इसका ना आपको इस डायग्राम के साथ कंपैरिजन जो KLM के ऊपर बनी हुई, ठीक है, उसके साथ कंपैरिजन एक दफ़ा कर लेते हैं, ठीक है। वो कंपैरिजन कैसे होगा ये देखें। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये वाली डायग्राम देखें ना, ठीक है, मैं आपको पहले बताया था कि वो स्कल कैसे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये देखें, ये इसमें क्या आ गया, इंटीरियर क्रेनियल फोसा, ये इसमें मिडिल क्रेनियल फोसा, इसमें क्या आ गया, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, ठीक हो गया। अच्छा, इंटीरियर क्रेनियल फोसा की ये ऊपर ओपनिंग्स उन्होंने दी हुई है, ठीक है, और ये वो प्लेट जो मैंने आपको बताई थी साइबो प्लेट है, ठीक है, और इसमें ये देखें ये फोरमैन मैग्नम है, ठीक है, और ये पोस्टीरियर का है, ये मिडल है दरम्यान वाला, और ये क्या है, ये इंटीरियर, ठीक है। ऑप्टिक नाल इसके ये यहाँ पे है, ठीक है, और इसी तरह जो ये वाली ओपनिंग जो आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, ये इस डायग्राम के अंदर देखें ओपनिंग ऑफ इंटरनल अकोस्टिक मिएटस है, ठीक है, ये इधर है, और ये देखें फोरमैन मैग्नम के बिल्कुल साथ ही क्या है, हाइपोग्लोसल केनाल है, ठीक है, हाइपोग्लोसल केनाल हो गया आपका, ये ऑप्टिक केनाल भी आपको ये नजर आ गई, ठीक है, और इस तरह ये हाइपोग्लोसल फोसा ही इसके ऊपर है, ठीक है। ये फिलहाल हम फोरामेन की बात करें, ठीक है। अच्छा, जुगलर फोरामेन एक आ गया, ठीक है, वो मैं आपको डायग्राम के अंदर दिखा देता हूँ, वो जुगलर फोरामेन कहाँ होगा, ठीक है, वो हम इसके बिल्कुल अगर हम इधर साइड पे ऐसे वो बना दें, ठीक है, और इसी तरह ऐसे ये साइड पे बना दें, ठीक है, तो ये जुगलर फोरामेन हमारा बन जाएगा, ठीक हो गया, और ऐसे हमारे ये फोरामेन कंप्लीट हो जाएंगे फोरामेन। अच्छा, उसके बाद ये आप देखेंगे KLM के ऊपर उन्हें क्या किया है, उन्होंने बात की है ये कुछ और की भी ना, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट, हाँ ये देखें, ये कुंडाइलर किनाल ओमास्ट्राइड फोरामेन, ठीक है, तो वो बेसिकली वो इस डायग्राम के अंदर है ना, कैसे इस डायग्राम में ये देखें, ये दांतों से रिलेट है, ठीक है, मतलब कि ये निचला हिस्सा उसका दिखाया है ना स्कल का, ये मैं बताया था कि अगर स्कल ऐसे है ना सपोज, तो हमने उसे ऐसे करके देखा है, ये वो वाली स्कल है, ठीक है, और इस तरह ये अगर अंदर से ही हम नीचे को ऐसे देखेंगे, मतलब ये दांत है, ठीक है, दांतों वाला वो लाइक मैं आपको बताता हूँ, लाइक अगर हम ये देखें ना, पहली जो डायग्राम थी वो ऐसे करके हमने अंदर को ऊपर को देखा था, अब हम नीचे को अगर देखेंगे, ठीक है, दांतों की तरफ देखेंगे, तो ये देखें हमें ये व्यू मिल रहा है, ठीक है, कि जहाँ दांत आ रहे हैं, ठीक है। सॉरी अगर समझाने में आई थिंक वो गलत हो गया कुछ। अच्छा, ये तो बेसिकली ऐसे ही है ना, ठीक है, कि आप ऐसे ही से देख रहे हैं, ठीक है, तो ये भी बेसिकली ऐसे ही है कि अगर आप वो स्कल को उल्टा के देखें, उसे काट के, ठीक है, लाइक अगर हम यहाँ से ऊपर को ऐसे देखें, ठीक है, तो हमें जो वो चीज़ें नजर आएंगी उसके अंदर ये वाला होगा मस्टाइड फोरमैन और कुंडाइलर केनाल और फोरमैन मैग्नम भी वहाँ से नजर आ जाएगा, ठीक है। ये हम नीचे वाला हिस्से की नहीं मैं बात कर रहा, ठीक है, ये बात याद रखनी, नीचे वाला एक अंदर तो फोरमैन मैग्नम आपको नजर ही नहीं ना आएगा, ठीक है, फोरमैन मैग्नम बेसिकली ये ऊपर है, ठीक है, तो ये आई थिंक क्लियर हो जाएगा। अब हम इसके आगे नाम लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आपके पास अब क्या है, सही है, ठीक है, सबसे पहले क्या है, फोरामेन सीकम है, फोरामेन सीकम है ये वाला, ठीक है, और इसके बाद ये क्या है, एंटीरियर एथमॉइडल फोरामिना, ठीक है, ठीक है, और ये वो मैंने आपको बताया था कि प्लेट है, ठीक है, सेरिब्रोफोरम प्लेट, क्राइबरीफोरम प्लेट भी से कह सकते हैं, सेरिब्रोफोरम प्लेट भी कह सकते हैं, ठीक है, जैसे आप मर्जी प्रोनाउंस कर लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये पोस्टीरियर एथमॉइडल फोरामिना, ठीक हो गया, एथमॉइडल फोरामिना, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं मिडिल क्रेनियल फोसा के कंटेंट्स की, ठीक है। अच्छा, तो मिडिल क्रेनियल फोसा के अंदर, ठीक है, सबसे पहले जो ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसे हम कहेंगे ऑप्टिक नाल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या आगे थे, हम ये इसके ऊपर फीचर के ऊपर आगे थे, ठीक है, बेसिकली इन्होंने ये यहाँ भी फीचर दिखाया होगा, ये देखें सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर, ठीक है, यही वाला है, ठीक है, तो हम ये इसे लेबल करते हैं, फीचर, ठीक है, और ये स्पीरियो ऑर्बिटल फीचर हो गया, ठीक है आपका। अच्छा, उसके बाद ये
तीन जो फोरामिना, ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या फोरामिन, रोटेंडम, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये जो दरमियान वाला है, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, फोरामिन ओवेल, ठीक है। अच्छा उसके बाद फोरामिन ओवेल के बाद आ जाएगा फोरामिन स्पाइनोसम, ठीक है। और जो ये वाले मैंने बनाए थे, ठीक है, इन्हें क्या कहेंगे, फोरामिन लैसियम, ठीक है। और ये वाली जो थी, ये ग्रूव थी, इधर मैं आपको डायग्राम के अंदर दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये ग्रूव उन्हें दिखाई हुई है, ठीक है, तो ग्रूव फार ग्रेटर पेटोसल नर्व। ठीक हो गया, ग्रूफा ग्रेटर पेटोसल नर्व होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये मिडल केनिल फोसा का हो गया, ठीक है। उसके बाद पोस्टीरियर केनिल फोसा के ऊपर चलते हैं, ठीक है। अच्छा सबसे पहले तो जो ये फिशर के साथ साथ थी, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, मैं आपको इधर दिखाता हूँ, ठीक है। ओपनिंग फॉर इंटरनल अकोस्टिक मिएटस, सॉरी वो रिफ्लेक्शन हो रही लाइट की, ठीक है। ये देखें, ओपनिंग ऑफ इंटरनल अकोस्टिक मिएटस, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद क्या है, उसके बाद आप इधर देख सकते हैं, ठीक है, ये जुगलर फोरामेन है, ठीक है, जुगलर फोरामेन उसके बाद आ जाता है। तो हमने ये डायग्राम के अंदर बनाया था, ये वाला जुगलर फोरामेन है, ठीक है। और ये दरमियान वाला मैं आपको बता रहा, ये क्या फोरामेन मैग्नम है, ठीक है। और उसके साथ जो ये छोटी सी थी, ये हमने क्या आगे देखें, ये फोरामेन मैग्नम है, ठीक है। और उसकी ये साइड पे क्या है, हाइपोग्लोसल किनार, सॉरी सॉरी, अच्छा ये देखें, ये फोरामेन मैग्नम है, ठीक है। और उसके ये साइड पे, अच्छा उसके ये साइड पे क्या आ रही है, हाइपोग्लोसल किनार, ठीक है। ये देखें, ये वाली हाइपोग्लोसल किनार, ये फोरामेन मैग्नम, ये हाइपोग्लोसल, ये वाली किनार, ठीक हो गया। तो हम इधर लिखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे फोरामेन कंप्लीट हो गए, ठीक है, क्रेनियल फोसा के। तो वो जो कंडाइलर कैनाल और मस्टार्ड फोरामेन है, ठीक है, वो जब आप दांतों की तरफ से देखते हैं, ठीक है, नीचे ज़्यादा जाके, तो फिर वहाँ से वो पता चलेंगे। तो बेसिकली ये क्रेनियल के, हमने क्रेनियल फोसा के ये कंटेंट्स, वो कंटेंट्स कह रही है, क्रेनियल फोसा के, हाँ कंटेंट्स ही है, तो ये हमने कर लिए हैं, ठीक है, कि इसमें जो पर्चेज वगैरह आते हैं, ठीक है, फॉर्मेना। हाँ अब आगे, सॉरी, कंडेंट्स अभी इनके करने के, जो इनमें से नर्व वगैरह पास करती हैं, या वेन्स या जो भी आर्टरीज वगैरह, जो भी हम देखेंगे कि क्या क्या पास करता है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के, ठीक है। तो बेसिकली ये क्रेनियल फोसा का ओवरव्यू मैंने दे दिया है। तो यार वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर लाजमी इंशाल्लाह कर दीजिए। तो जाकर